प्यारे बाबा कहते हैं कि मैं धर्म और राज्य दोनों स्थापन करता हूँ। सत्युग में तुम्हारे पास धर्म सत्ता भी होगी और राज सत्ता भी होगी, लेकिन अभी तो न धर्म सत्ता है न राज सत्ता है ना। अभी हम कैसे दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर धर्म सत्ता वाले के अंदर भी पावर नहीं है ना। धर्म धर्म नेता तो बहुत है ना, धर्म पिताएं तो अभी नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो धर्म के बड़े गुरु वगैरह सब हैं, लेकिन जो धर्म में शक्ति होनी चाहिए वो नहीं है। राज्य में भी आज शक्ति नहीं है। आज कोई राजा होता है तो उसको एक दिन में भी नीचे उतार देते हैं ना। कोई भी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट टूटने में एक दिन भी नहीं लगता। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम जब दुनिया में राज्य करेंगे ना, तो वहाँ तुम्हारे पास धर्म सत्ता भी फुल होगी, राज सत्ता भी फुल होगी। उस समय पर कोई दूसरा धर्म भी नहीं होगा, तुमसे पावरफुल लेस पावरफुल भी नहीं, तुम्हारा ही राज्य होगा। मुझे याद है हमारे पास एक लक्ष्मी नारायण का चित्र था जिसमें ऐसे लाइन से लिखा हुआ था, एक धर्म एक भाषा एक राज्य एक कुल एक मत, है ना। विश्व महाराजन श्री नारायण, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी। तो वो चित्र मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं काफ़ी समय तक ना देखती थी उसको, तो विचार करती थी, एक धर्म एक भाषा एक राज्य एक कुल एक मत, कुछ भी दो नहीं है वहाँ, है ना। तो इतना पावरफुल, क्योंकि अगर एक अल्टीमेट ना हो तो उसको ज़रूर दो आ जाते हैं, है ना, युद्ध करने, या दो आ जाएंगे और उसमें विभाजन ज़रूर हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया में अभी स्थापन करता हूँ। अभी जो अधर्म की दुनिया है और जहाँ राज्य नहीं है, एक राज्य, वहाँ से तुम्हें वहाँ लेकर जाता हूँ, सोवरेनिटी में लेकर जाता हूँ। लेकिन ये सारा कार्य कब करते हैं शिव बाबा? इस समय और संगम युग पर। तो इस समय पर बाबा हमें ऐसा क्या सिखाते हैं, या क्या हमारी धारणाएं होती हैं जिस आधार से हम उस एक धर्म एक राज्य में जाते हैं, वो आज थोड़ा सा विचार करेंगे, है ना। आज बाबा ने हमें मुरली में एक और बहुत अच्छी बात कही कि शूद्र का धर्म, ब्राह्मण धर्म और देवता धर्म, तीनों अलग-अलग है ना। तो धर्म का अर्थ तो धारणा है ना। तो अब धारणा, शूद्रों की धारणा दुनिया में कैसी है ना। उनका तो खाना भी मलेच, रहना भी मलेच, सब कुछ न स्वच्छ है, स्वच्छता है न पवित्रता है। लेकिन इस समय बाबा हमें मूल धारणा क्या सिखाते हैं? मूल धारणा हमें बाबा आज भी स्वच्छता और पवित्रता सिखाते हैं। आज आप विचार करो, मुरली में बाबा हमें स्नान करने की भी अक्ल देते हैं, है ना, कि तुम्हें स्नान करना है। और बाबा हमें कहते हैं कि अगर जाते हैं टॉयलेट यूज़ करते हैं, है ना, तो उसमें भी हमें स्नान करना है, स्वच्छता भी होनी चाहिए। तो बाबा हमें एक एक चीज़ स्वच्छता के बारे में, पवित्रता के बारे में, पवित्रता भी, हमें तो पवित्रता शब्द का अर्थ भी नहीं पता था जब हम बाबा के पास आए, लेकिन बाबा ने पवित्रता से लेकर संपूर्ण पवित्रता तक, है ना, उस दिन बाबा ने कहा संकल्प स्वप्न में भी कोई विकार टच ना करे, ऐसा इतनी पवित्रता की धारणा बाबा हमें कराते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो इस समय जो हमें बाबा धारणाएं कराते हैं, धर्म सत्ता उस आधार से आती है, और ये जो ब्राह्मण जीवन में बाबा हमें एक एक
दैवी गुण का ज्ञान देते हैं और दैवी धारणाएं हमें इस समय कराते हैं। एक एक गुण, जैसे बाबा हमें पवित्रता के बारे में कहते हैं, मधुरता के बारे में कहते हैं। आप देखो, हम लोग पहले मीठा, जैसे बाबा कहते हैं मीठा बनना है, तो हम पहले क्या सोचते थे, मीठा बनना माना मीठा बोलना, मीठा बनना माना हमें सिर्फ बोली ही मीठी मालूम थी। लेकिन बाबा कहते हैं मीठा सिर्फ बोलना नहीं है, मीठा बनना है। तो मीठा बनना माना निर्विकारी बनना, ये भी हमने धीरे धीरे ज्ञान में समझा, क्योंकि जहाँ विकार होगा वहाँ ज़्यादा देर मीठे नहीं रह सकेंगे, है ना। बिजनेसमैन कितना मीठा होता है ना, लेकिन जैसे उसकी डील नहीं होने वाली होती है, पता चलता है कि ये तो मान नहीं रहा, इसके साथ डील नहीं होने वाली, तो वहाँ पर मीठापन ख़त्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं निर्विकारी होगा तो सदैव मीठा रह सकेगा। मोह है, बहुत मीठा रहेंगे, मात पिता बच्चे या स्पाउस बहुत मीठे होते हैं, लेकिन जहाँ अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी वहाँ पर फिर कड़वे हो जाएंगे। तो बाबा इसलिए हमें एक एक दैवी गुण की समझ भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं और उसकी धारणा भी कराते हैं। मुरली में हर चीज़ बाबा समझाते हैं, सरलता क्या, मधुरता क्या, निमित भाव क्या, या बाबा हमें धैर्यता, है ना, हमें तो धीरज क्या होता है नहीं पता था, लेकिन बाबा ने हमें धीरज दिया कि सत्युग आने वाला है। कल गीत था ना, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए। तो धीरज कैसे आता है, धीरज आता है जब हमें वर्षे पर निश्चय होता है। तो बाबा कहते जितना तुम्हें निश्चय होता जाता है कि सत्युग आया कि आया, तो धीरज आता है। तो बाबा हमें हर गुण की धारणा कराते हैं, और इस संगम युग में जितना हम गुणों की धारणा करते हैं तो हमारे अंदर तीन निशानियां मुख्य दिखाई देती हैं, जो बाबा ने अव्यक्त वाणियों में स्पष्ट की है। जो धारणा मूर्त आत्मा होती है उसके अंदर परिवर्तन शक्ति होती है। स्पेशली जैसे हम कहते हैं ना, मुख्य धारणा जो दैवी गुणों का जो वृक्ष है उसका फाउंडेशन है पवित्रता। तो जिस आत्मा के अंदर मुख्य पवित्रता की धारणा होती है, तो जब गुण धारण हो जाता है तो वो शक्ति बन जाता है, और वो जो पवित्रता की शक्ति है उसका मुख्य जो स्वरूप है वो क्या देखने में आता है, परिवर्तन करना। मैं कई बार विचार करती हूँ कि जैसे हमारे बहुत सारे बहनें हैं, दीदियाँ हैं जो विदेशों में समर्पित हैं, है ना। अब आप सोचो जो विदेशी, जो जिनका मूल विदेश का है, और मैं सिर्फ ज्ञान में चलने की बात नहीं कर रही, पूरी तरह से जैसे एक जीवन देना, और वो भी उस कल्चर से आकर जहाँ पर उनका कोई भी, है ना, जो ब्राह्मण जीवन की धारणाएं हैं उससे या डिसिप्लिन है उससे कोई लेना देना नहीं था, उनका खान पान, उनका धर्म सब अलग, और ऐसी ऐसी बहनें कन्याएं सब समर्पित हो गए। तो क्या शक्ति है जो समर्पण करा देती है, क्या है जो दिल इतनी बदल जाती है कि हाँ मुझे यज्ञ में समर्पित हो जाना है। तो वो जो शक्ति है वो पवित्रता की शक्ति है। आप किसी भी बहन का अनुभव सुनेंगे तो उनको भी नहीं पता होता कि कैसे हमारे अंदर इतना परिवर्तन आ गया या इतने त्याग की भावना आ गई, लेकिन पवित्र आत्माओं के संग में, दृष्टि में इतनी शक्ति होती है। मम्मा बाबा में, दादियों में इतनी ताकत थी, और वो क्या ताकत थी, क्योंकि है तो वही मनुष्य ना, वही कलयुग में जन्म हुआ, कलयुगी संस्कार थे, लेकिन क्या ऐसी ताकत आत्मा में आ जाती है, वो है पवित्रता की शक्ति। तो बाबा कहते पवित्रता की शक्ति का जो मूल सूचक है, मूल निशानी है, वो है परिवर्तन शक्ति। और मम्मा के बारे में तो कहते थे कि
मम्मा के सामने कितना भी पतित संस्कारों वाला कोई आता था ना, तो वो जैसे अपने संस्कारों की बलि चढ़ा के चला जाता था और कहता था आज से, है ना, जैसा बाबा सिखाते हैं ऐसे रहना है। तो ये जो परिवर्तन शक्ति है, ये पवित्रता में होती है ना। आज मनुष्य आप देखो कितनी अच्छी बातें कहता है, सुनाता है। आज माता पिता भी होते हैं, या हम व्हाट्सएप पे भी 10 मैसेज अच्छे अच्छे फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं तो आज समझती हूँ जितना अच्छाई का ज्ञान आज है कभी भी किसी युग में नहीं होगा, लेकिन इतनी सारे होने के बाद भी आज दूसरी आत्मा पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि प्योरिटी नहीं है। जहाँ अपने अंदर पवित्रता की धारणा नहीं होती, तो दूसरे का परिवर्तन हमारे द्वारा नहीं हो सकता। तो ये मुख्य जो बाबा कहते हैं कि धर्म सत्ता में ताकत क्या होती, कि परिवर्तन हो जाते। आप देखो दुनिया में भी जो धर्म पिताएं आई, उनके अंदर मुख्य निशानी क्या दिखाई दी, कि उन्होंने अपने धर्म में परिवर्तन कर दिया, है ना। क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन बना दिया, बौद्धी बना दिया बुद्ध ने। तो भले ही स्थूल रूप से नाम रूप बदला, लेकिन वो जो धर्म सत्ता में परिवर्तन शक्ति होती है, आज धर्म में कन्वर्जन है ना, धर्म में क्या होता है, कन्वर्जन होता है। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो वो कन्वर्जन होता है कि ड्रेस बदल लिया, किताब बदल गई, ऐसा ऐसा। लेकिन बाबा कहते हैं ये कन्वर्जन जो है शूद्र से ब्राह्मण बन जाना, या किसी के अंदर के मलेच्छ संस्कारों का परिवर्तन होकर पवित्र बन जाना, ये भी धर्म सत्ता की सब्जेक्ट है। जितनी अपने अंदर धारणा पक्की होती है और मूल पवित्रता की धारणा, उतना उतना उस आत्मा का भी परिवर्तन होता है। तो ये पहली निशानी है धर्म सत्ता की, लेकिन इसके लिए अपनी धारणा है ना। इसीलिए आज बाबा हमें खास अटेंशन दिलाते हैं कि अपनी से कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए। अभी हम यात्रा पर हैं, हमें पवित्रता पर बहुत अटेंशन देना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी विकारों के वश हमसे कर्म ना हो, तब हमारे द्वारा अनेकों का परिवर्तन हो सकेगा। और युग परिवर्तन के लिए, संसार परिवर्तन के लिए तो एक एक आत्मा का परिवर्तन चाहिए, और उस परिवर्तन का आधार है हमारी अपनी धारणा। दूसरी जो निशानी है धारणा की या धर्म सत्ता की, वो है परिपक्वता। धर्म सत्ता वाले बहुत मजबूत होते हैं, अचल अडोल होते हैं, है ना। जैसे कोई चीज़ भरपूर होती है तो उसको हिलाना बहुत मुश्किल होता है ना, ऐसे धर्म सत्ता में इतनी स्ट्रेंथ होती है, जिस आत्मा में धारणा का बल है और मुख्य पवित्रता का बल है, उस आत्मा को कितना भी ऑपोजिशन हो, कितनी भी बातें आए, विघ्न आए, बाबा कहते तुम टस से मस नहीं होते। तुम अपनी जो श्रीमत पर चलना या अपनी सेवा करना, वो तुम्हारा कंटिन्यूअस रहता है, ये धारणा के बल से होता है ना। क्योंकि हर व्यक्ति अच्छा कर्म करना चाहता है, लेकिन सिर्फ अच्छा कर्म करने की इंटेंशन इनफ नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप अच्छा कर्म करने जाएंगे तो बहुत सारे विघ्न आएंगे, है ना। जब शिव बाबा को विघ्न आते, ब्रह्मा बाबा को आते, तो सभी को आते, लेकिन उन विघ्नों में वो कौन सा बल है जो आपको निरंतर चलने के लिए शक्ति देता है? वो है आपकी धारणा का बल। अगर धारणा का बल जमा नहीं किया है, तो ऑपोजिशन में सह नहीं पाएंगे, ऑपोजिशन के टाइम पे थक जाएंगे। देखो जैसे जीसस की भी कहानी में कहते हैं ना कि सूली पे भी चढ़ा दिया तो उनको कोई शिकन नहीं थी, उन्होंने कहा कि इनको माफ़ कर देना। तो जो धर्मात्माएं भी होते हैं, उनके अंदर भी ये ताकत दिखाई देती कि कितना भी कोई तंग करे, अपोज करे,
लेकिन उस आत्मा के अंदर दूसरे के प्रति वैर भाव भी नहीं आता। तो ये है दूसरी धारणा की शक्ति। अब बाबा कहते हैं अगर धर्म पिताओं में भी ये शक्ति थी तो हम परमात्म संतानों में और जो देव आत्मा बनने वाली आत्माएं हैं या जो देव आत्मा हैं उनके अंदर ये धारणा कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कितना भी ऑपोजिशन हो। जैसे ब्रह्मा बाबा के दिल से भी कभी ये नहीं आता था ये व्यक्ति बुरा है या इस ये अकल्याण करता है। बाबा हमेशा बच्चे बच्चे ही कहते थे, कोई कैसा भी हो, बाबा कहते थे वो तो मुझे नहीं पहचानता, मैं तो उसे पहचानता हूँ ना, तो वो नहीं जानता मैं बाप हूँ, मैं तो जानता हूँ बच्चा है। तो बाबा कहते तुम्हारे अंदर भी जितना ज्ञान की धारणा होगी, गुणों की धारणा होगी, तो उस आधार से तुम्हारे अंदर भी स्मृति स्पष्ट होगी कि हर आत्मा क्या कर रही है, क्यों कर रही है, और उस आधार से तुम्हारी स्थिति भी अचल अडोल रहेगी और उस आत्मा के प्रति भी तुम्हारी भावनाएं कभी विकृत नहीं होंगी। इतनी धर्म सत्ता है अभी कि ऐसे परिपक्व रहे। आप सोचो हम लोग धर्मात्माओं की कहानियां सुनते हैं, धर्मात्माओं की भी छोड़ो, राजाओं की कहानियां सुनते हैं हम। हमने सुना कि सिकंदर ने पोरस को जब बंदी बनाया तो पोरस को पूछा कि देखो पोरस चेन में बंधा हुआ है, लेकिन उसको पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो उसने कहा जैसा एक राजा राजा के साथ करे, है ना। तो हम सुनते हैं, अब हम किसकी धारणा की बात कर रहे हैं, जो एक द्वापर युग का राजा है या द्वापर युग भी नहीं कलयुग का राजा है ना। कलयुग में एक राजा के अंदर इतनी धारणा, इतनी स्वमान रहता है कि मैं राजा हूँ तो मैं राजा हूँ, भले बेड़ी में है लेकिन उसको मालूम है मैं राजा हूँ। हम सुनते हैं जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया और उसने कहा कि इनको माफ़ कर देना, इनको ज्ञान नहीं है। तो आप सोचो कि हम तो राजाओं का राजा बनने की बात कर रहे हैं। धर्म सत्ता राज सत्ता भी सबसे ऊंचे, राजा कोई कलयुगी राजा नहीं सत्ययुगी राजा, और धर्म पिता कोई द्वापर से आने वाला नहीं सत्ययुगी धर्मात्मा। तो ऐसे बनने वाले के अंदर इतनी धारणा तो होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि क्लास करा रहे तो चेहरा चमक रहा है और बर्तन मांज रहे तो चेहरा उतर जाए, है ना। उसका तो उनका आप सोचो कि चेन में बंधे हुए हैं, बंदी हैं, और उनको स्वमान कितना ऊंचा है कि मैं राजा हूँ। हमारा स्वमान रहता है, याद रहता है, या जैसे जैसे काम बदलता है तो स्वमान भी बदलता जाता है ना। जैसे बाबा कहते थे कि कोई आता मिलने तो बाबा को कोई मैसेज देने जाते तो कहते थे बाबा कोई मिलने आया है ना, तो आप काम वाम छोड़ो, चलो वहाँ मिलो, ठीक से कपड़े वपड़े पहन के मिलो। तो बाबा कहता था क्यों, ऐसे ऐसे मिलूँगा तो क्या दर्शन नहीं करा सकता, ऐसे मिलूँगा तो क्या परमात्म अनुभूति नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं कि इतना हमारे अंदर धारणा का बल होना चाहिए, चाहे वो स्वमान की धारणा है कि मैं कौन हूँ, चाहे मैं किसका हूँ इसकी धारणा है, चाहे दैवी गुणों की धारणा है, चाहे शक्तियों की धारणा है। और तीसरी चीज़ जो धर्म सत्ता की निशानी होती है वो थी निर्माणता। दुनिया में भी कहते हैं जितना लदा हुआ पेड़ होता है उतना झुका हुआ होता है ना। तो और अकड़ किस में होती है, मुर्दे में ना, मुर्दा अकड़ा हुआ होता है और भरपूर जो होता है वो झुका हुआ होता है। तो निर्माणता धारणा की निशानी है। हमारे अंदर अगर ह्यूमिलिटी नहीं है तो इसका मतलब हम धारणा वाले नहीं हैं। निर्माणता माने ह्यूमिलिटी ना, निर्माणता माना किसी भी परिस्थिति में चाहे मान मिले अपमान मिले आप स्वमान में रह के सम्मान दे सके,
स्वमान में रहकर सम्मान देना, इसको कहते हैं निर्माण रहना, है ना। क्योंकि आप भरपूर हैं तो आपको देखो जो को क्या हम देते हैं वो देते हैं जो हमारे पास है। तो मेरे पास क्या है, अपने प्रति सम्मान है, अपने प्रति स्वमान है, अन्य के प्रति सम्मान है ना। अपने प्रति क्या है कि मुझे भगवान ने सब कुछ दिया, मुझे किसी से क्या चाहिए। किसी ने गाली भी दे दी तो मेरा क्या चला जाएगा, कुछ चला जाएगा ना। किसी ने गाली दे दी तो क्या मेरी कुछ डिमिनिश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अपने प्रति स्वमान रखना है, अन्य के प्रति सम्मान रखना है। बाबा ने जब मुझे इतना सम्मान दिया तो मेरे दिल में तो बहुत है ना स्टॉक, मैं दूसरे को नहीं दे सकती, है ना। तो बाबा कहते हैं, देखो शिव बाबा कहता है आके, मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, विचार करो, है ना। तो निर्माणता की या गुणों के सागर की निशानी क्या है, वो तो हमेशा दूसरे को सम्मान से ही ट्रीट करता है। बाबा बाबा नमस्ते करता है, हाँ बाबा ये नहीं कहता बच्चे तुम पहले नमस्ते करो। तो बाबा नमस्ते करता है तो मुझे नमस्ते करने में क्या जाता है ना। तो बाबा कहते कि इतना हमारे अंदर ये निर्माणता का गुण होना चाहिए। और जब सर्व गुण अपने अंदर धारण होते हैं ना तो निर्माणता आती। निर्माणता माना ना ऑफेंड होना, ना ऑफेंड करना। जब हम ऑफेंड होते हैं तो हमें ऑफेंड करने की भी दिल होती है ना कि अभी हम इनको ऑफेंड करके नीचा दिखाएं। लेकिन जब किसी के कुछ कहने से हम नीचे हुए ही नहीं तो हमें किसी को नीचा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। बाकी कम्युनिकेशन है वो कर लेना होता है। कोई कहता है आप ऐसे हो ऐसे हो, ऐसे हो, नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसा सोच रहे हैं, ये ऐसी बात हो गई, ख़त्म बात। इट इज़ दैट इज़ी, आई हैव डन इट, इट इज़ दैट इज़ी, इट इज़ वेरी वेरी इज़ी, कोई मुश्किल नहीं। कोई आपको जो देखो, सबसे पहली चीज़ हमें क्या समझनी होती है, कोई भी शब्द कोई भी व्यवहार एक आत्मा के संस्कार से ओरिजिनेट करता है, उसमें आपका कुछ नहीं जाता। कोई गाली देता है वो अपने संस्कार से देता है, आपके आपको कुछ आपका कोई कुछ मतलब डिमिनिश नहीं कर सकता आपको। आप तो जो है सो है ना, आपके कर्म की गति, आपका स्वमान, आपका संस्कार कोई छीन नहीं सकता, है ना। तो ये चीज़ें हमें समझ कर, इसी को तो धारणा की शक्ति कहते हैं ना। हम ज्ञान सुनते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की हूँ, शिव बाबा मुझे रोज़ ऊंचे ऊंचे टाइटल देता है, धारण करते हैं। धारण करेंगे तो ये तीनों गुण दिखाई देंगे, धारणा की शक्ति के ये तीन आयाम दिखाई देंगे। अन्यों का परिवर्तन होगा, परिपक्वता रहेगी और सदा निर्माणता रहेगी। फिर दूसरी चीज़ राज्य सत्ता, है ना। बाबा कहते सिर्फ धर्म सत्ता नहीं है, राज सत्ता भी है। और बाबा कहते कल तो तुम चलो राज्य करेंगे दैवी दुनिया में, है ना, विश्व महाराजन विश्व महारानी बनेंगे, लेकिन आज तुम्हें क्या करना है, ब्राह्मण जीवन में क्या करना है। तो सबसे पहले ब्राह्मण जीवन में हमें अपनी स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों पर राज्य करना है। सबसे पहले स्वराज अधिकारी बनना है, हमारी स्थूल सूक्ष्म दोनों इंद्रियों पर हमारा राज्य होना चाहिए। देखो कोई व्यक्ति कहे कि आप बोलते हैं मेरा मन डिस्टर्ब होता है तो आप चुप हो जाएं, तो मेरा मेरे मन पर तो राज्य नहीं है तो मैं आपको कैसे चुप करूँगा। देखो एक छोटी सी बात आप समझना, अगर आपका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, आपके मुख पर नियंत्रण नहीं है, कोई आपके बटन दबाता है और आप नाचने कूदने लगते हैं, है ना, आपका मुख चलने लगता है, आपका मन ओवर थिंकिंग करने लगता है, तो वो आप पर राज्य डेफिनेटली करेगा।
वो आप उसके स्लेव हैं। वो जब चाहेगा वो आपको दुखी करेगा, जब चाहेगा वो आपको तंग करेगा, जब चाहेगा वो तब करेगा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं बैठे बैठे कहते, सो देखना अभी इसको तंग, इसको ये कैसे करता है, इसको अभी बुलवाता हूँ, है ना, ये बहुत शांत बैठे हैं ना, ये अभी 2 मिनट में चिल्लाएंगे। और वो जाते हैं कुछ ऐसी बात कहते हैं, वो एकदम से चिल्लाना शुरू करते। तो आप विचार करो, एक आत्मा के का अगर उसका मुख उसके कंट्रोल में नहीं, उसका मन अपने कंट्रोल में नहीं, सामने वाला जैसे आता है वैसे उसको नाच नचा के चला जाता है, तो ऐसी आत्मा क्या राज्य करेगी किसी ना। तो पहले तो मैं अपने संकल्पों पर, अपनी बुद्धि पर, अपने संस्कारों पर, अपने मुख पर, अपने कान पर, आज बाबा ने कितना सुंदर कहा कि जो व्यर्थ सुनने और बोल सुनने और सुनाने के से परे हैं वही डबल लाइट है ना। फरिश्ता कैसे बनेंगे अगर मेरा सुनने और सुनाने पे कंट्रोल नहीं है, मेरा मुख पर कंट्रोल नहीं है, मेरा कान पर कंट्रोल नहीं है, कोई भी बात सुनते हैं तो उसका असर आ जाता है, मेरे अंदर कोई परख शक्ति नहीं है ना। व्यक्ति को पूछो, व्यक्ति का व्यवहार बदला हुआ है आज, बोलो क्या हुआ है, तो बोले उन्होंने आपके बारे में ऐसे कहा। अरे उन्होंने कहा, आपका तो कोई अनुभव नहीं है ना, आप कोई बात सुनते हैं तो आपके पूरे जीवन का अनुभव धुल जाता है, माना आपने, आपका कुछ नहीं है, आपकी कोई परख शक्ति नहीं है, कोई निर्णय शक्ति नहीं है, मतलब आप दूसरे के कहने पे चलते। तो दूसरे के कहने पे चलने वाला क्या दूसरे पे राज करेगा। तो सबसे पहली चीज है कि मेरा अपने मन बुद्धि संस्कार पर, अपनी इंद्रियों पर राज होना चाहिए। मैं आत्मा श्रीमत प्रमाण अपने मन बुद्धि संस्कार और इंद्रियों को चला सकूं, उस प्रमाण नहीं जैसी परिस्थिति है या जैसे बाहर से कोई स्टिम्युलस आ रहा है। फिर दूसरी चीज, राज्य सत्ता में राजा कभी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़े ये ठीक नहीं है, राजा हमेशा लॉ ऑर्डर को सम्मान देने वाला होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये जो ईश्वरीय लॉ ऑर्डर है ना, जो अभी बाबा हमें श्रीमत देते हैं, उसके प्रमाण जब हम अब हर कर्म करते हैं, कभी नियम मर्यादा नहीं तोड़ते, संकल्प स्वप्न में भी नहीं तोड़ते, तब हम बनेंगे राजा, तब हमारे बनाए नियम प्रमाण सब चलें। अगर हम ही नियम प्रमाण नहीं चल सकते, हमारे अंदर ही लॉ और ऑर्डर को मानने की ताकत नहीं है, है ना। शिव बाबा के टाइम टेबल के हिसाब से, उनकी दी हुई श्रीमत के हिसाब से, अगर हम अपनी दिनचर्या मनचर्या नहीं चला सकते, तो हमारी भी कोई सुनने वाला नहीं होगा सत्युग में। तो इसको भी, इसीलिए बाबा जो आज हमें कहते हैं ना कि तुम याद की यात्रा पर सदा रहो, है ना, ये पहली श्रीमत है। तो जो इन एक एक श्रीमत, चाहे याद की, पवित्रता की, सेवा की, जब निरंतर हम श्रीमत पर चल पाते हैं, हम अपनी जीवन को इतनी लॉ एंड ऑर्डर, ईश्वरीय लॉ एंड ऑर्डर पे चलाएंगे, तब जाके कल हम राज सत्ता के लायक बनेंगे। और तीसरी बात, आप देखो द्वापर युग से भी जो राजाएं होते हैं ना, उनको क्या कहते, पालक, राजा पालना करने वाला होता है ना। अभी तो राजा की पालना की शक्ति खत्म हो गई है ना, अब तो व्यक्ति सोचता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन पालना सबको अपनी अपनी करनी है, लेकिन राजा का गुण होता है वो पालक होता है। और बाबा हमें बताते हैं कि सत्युग में तो जो राजाएं होंगे, तो प्रजा उनको मात पिता के रूप से देखेगी कि ये हमारे मात पिता हैं, तो उतना पालना हम इस समय दे सकें, है ना, उतना हर आत्मा को हमारे द्वारा परमात्म पालना का
अनुभव हो कि जब कोई आत्मा हमारे पास आए तो उसको ऐसा लगे कि यही परमात्म प्यार का इंस्ट्रूमेंट है, या इनके पास हमारी जीवन उन्नति की बनती है, वो ट्रस्ट, वो प्यार हमारे हमारे से वो भासना जाए, तब तो जाकर कोई हमें राजा बनाएगा। कल माता पिता की, आप देखो दुनिया में कहते हैं माता पिता जैसे पालना कोई नहीं करता, है ना, लेकिन बाबा कहते वो भी जिस्मानी पालना, लेकिन रूहानी पालना। अब देखो माता पिता के पास जो भी धन होगा, तन की शक्ति होगी, जो भी होगी, पूरा बलिहार कर देते हैं, लेकिन बाबा कहते माता पिता भी जो लौकिक में होते हैं उनके पास आत्मिक शक्ति नहीं होती। इसलिए आत्मिक शक्ति किसी को दे पाना, ज्ञान दे पाना, किसी आत्मा की आत्म उन्नति करा पाना, वो पालना किसी और से पहुंचती नहीं है। लेकिन शिव बाबा हमारी रूहानी पालना करते हैं, और बाबा कहते तुम वो इंस्ट्रूमेंट बनो जिनके द्वारा सबको परमात्म प्यार और पालना का अनुभव हो। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट बनेंगे ना, उनको कल राज अधिकार मिलता है। बहुत इजी है ना। देखो हमें समझना है हमारे पास डबल इंजन है। शिव बाबा भरपूर कर रहा है, ब्रह्मा बाबा दिखा रहा है प्रैक्टिकली कैसे करना है, तो क्या मुश्किल है ना। प्रैक्टिकली ब्रह्मा बाबा ने किया ना। देखो एक बार एक सभा थी, तो उसमें सबको पूछा, नयों की सभा थी, है ना, कोई बीकेज नहीं थे, लेकिन प्रकाशमणि दादी जी ने 2 दिन क्लास कराई थी वहाँ उस सभा में। तो सबको पूछा कि आपको मोनार्की पसंद है कि डेमोक्रेसी, है ना, प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए कि राजा चाहिए। तो सबने कहा डेमोक्रेसी, आजकल कोई राजा नहीं चाहता ना। फिर उनको पूछा अगर आपका राजा प्रकाशमणि दादी जैसा हो, तो कहते हैं हाँ फिर तो ठीक है, फिर तो राजा, फिर राजसत्ता ठीक है ना। क्योंकि मात्र एक तो क्लास में भी वो प्यार, वो ट्रस्ट की भासना आ गई कि लगता है कि हाँ ये राजा हो तो निश्चिंत होके सरेंडर कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते अनेकों को निश्चिंत करके, अनेकों को, हर आत्मा को ऐसी पालना, ऐसा स्नेह देना। निश्चिंत तो देखो आत्मा कर्मों से होती है, लेकिन उस आत्मा को वहाँ तक लेकर जाना जहाँ वो स्वउन्नति के प्रति कर्म करे, वो होती है पालना, है ना। और जब ऐसी पालना मिलती है, पालना नहीं मिलती है क्या? पालना नहीं मिलेगी तो हम चलेंगे कैसे? तो बाबा कहते इतनी पालना तो देनी पड़ेगी, तब जाकर राजसत्ता आएगी। फिर बाबा कहते राजा जो होता है वो सदा भरपूर होता है। राजा के पास लोग झोली फैलाकर जाते हैं, है ना। तो आपके पास भी कोई कभी आए तो आपके अंदर ये ना आए संकल्प कि आज तो मेरा ही मीटर डाउन है, है ना। कोई प्यार लेने आए तो बोले आज तो मुझे ही कोई प्यार दे दे, मैं तो उसी आस में बैठा हूँ, आज तो मेरा ही मूड ऑफ है, है ना। तो बाबा कहते ऐसा नहीं, ज्ञान का खजाना हो, गुणों का हो, शक्तियों का हो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई आपके पास आए कि मेरे से सहा नहीं जा रहा, तो आप कहें अभी तो मेरे से भी नहीं सहा जा रहा, मेरा भी ना पानी सर के ऊपर चला गया, आज तो मेरी भी हालत कसता है, है ना। तो बाबा कहते कोई आए तो तुम्हें इतना शक्ति स्वरूप रहना है, गुण स्वरूप रहना है, ज्ञान स्वरूप रहना है कि कोई भी आए तो आपसे लेकर जाए। कोई आए ना अपना सहन शक्ति का प्रश्न लेकर, तो आपको देख कर ही उसको पता चल जाए जब ये इतना सह सकते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है, है ना। आपको देख कर, आपकी जीवन देख कर उनको पता चले कि जब ये सर्दी गर्मी मान अपमान निंदा स्तुति सब सह कर रह सकते हैं, तो हम छोटी सी बात से क्यों विचलित होते। इतना शक्ति स्वरूप हमारे जीवन में, शक्ति स्वरूप नज़र आना चाहिए, गुण स्वरूप नज़र आना चाहिए। कोई कहे मीठा नहीं बोला जाता, कोई कहे हमसे
है ना, हम पवित्रता के लिए चैलेंज लेते हैं तो बोलने में भी उसको खराब लगे कि किसको कह रहे, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन पवित्र बना दी उनको क्या कह रहे। तो बाबा कहते इतना हमें ऐसा मूरत बन के रहना है कि कोई भी आए तो उसकी झोली खाली ना जाए, हमारे जीवन से, हमारे कर्मों से, हमारे मुख से उसको सदा प्रेरणा मिले, आगे बढ़ने की शक्ति मिले, तब तो बनेंगे राजा, है ना। लेकिन ये जो हम राजा बनेंगे उसके लिए जो बाबा हमें रोज़ श्रीमद देते हैं ना, बाबा को याद करना, पवित्रता पर अटेंशन देना, रहम दिल बनना, बाबा रोज़ कहते हैं ना सेवा करना माना रहम दिल बनना, तो इन गुणों पर हम जितना अटेंशन देंगे, बाबा की श्रीमत पर अटेंशन देंगे, उतना धर्म सत्ता राज सत्ता हमारे हाथ में आती चली जाएगी। और इस समय अगर हम किसी के दिल पर राज करके उसकी जीवन सफल नहीं करा पा रहे, है ना, इस समय यदि हम इतनी प्यार की पालना नहीं दे पा रहे कि कोई श्रीमत पर चले, है ना। अभी पीछे एक बार संडे की क्लास में भाई को किसी ने पूछा था, मोह रखना गलत होता है क्या, मोह रखने में प्रॉब्लम है, तो बहुत अच्छा उत्तर आया था कि मोह जो है उसको काम में लगाओ, है ना। किसी का आपसे मोह है लेकिन आपको तो अक्ल है ना, तो आप उस मोह को चैनलाइज करके उसको श्रीमत पे चलाओ, है ना। कोई आपसे मोह रखता है, देखो बच्चे मोह रखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, पल्लू पकड़ पकड़ के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। अब पीछे पीछे घूमते रहते हैं तो उनको सेंटर तक ले आओ, है ना। अब बच्चा है, मोह है, जहाँ मात पिता जाएंगे वहाँ जाएगा, तो उस मोह से ही तो उसको सेंटर ले आओ, है ना। किसी का मोह है कि वो आपके साथ ही भोजन करेंगे, है ना। कई ऐसे होते हैं कहेंगे हम अकेले खाना नहीं खाते, तो आप शुद्ध भोजन खाएंगे तो वो भी खाएंगे। जिनका मोह है वो आपके पसंद की बात नहीं करेंगे, आपके पसंद के काम नहीं करेंगे। तो बाबा कहते तुम श्रीमत पर चलेंगे, तुम जीवन पवित्र बनाएंगे तो मोह में बना लेंगे, तो क्या प्रॉब्लम है। और धीरे धीरे जब शक्ति आएगी, बुद्धि का ताला खुलेगा, तो वही चीज़ वो चॉइस से करने लगे। तो बाबा कहते इस प्रकार से ये जो हमारे अंदर इतनी स्नेह की शक्ति होनी चाहिए, इतना हमारे अंदर जो गुणों की ताकत होनी चाहिए कि हर आत्मा का हम जीवन पवित्र बना सके, योगी बना सके ना। दुनिया में भी आप देखो कि कोई आत्मा बहुत मीठी होती है तो सब उसको चटके रहते हैं ना, लेकिन उसके अंदर जो संस्कार होते हैं फिर वो उसको भी लग जाते हैं, है ना। वो जो मीठी आत्मा है बहुत चुगली चपाटे करते हैं तो फिर उनके साथ ये भी करने लगते हैं। तो बाबा कहते ऐसे तुम्हें भी क्या करना है, इतनी परमात्म शक्ति से भरपूर बनना है, इतना स्नेह स्वरूप बनना है कि उस स्नेह से तुम सबकी उन्नति करा सको, है ना। और बाबा कहते जब इतना धर्म सत्ता राज सत्ता वाले होंगे तो कल फिर तुम्हें उस प्रकार से मात पिता के रूप में प्रजा स्वीकार करेगी। और इसके लिए जो मुख्य श्रीमद जो रोज़ बाबा कहते बाबा को याद करो, क्योंकि जैसा बनना है उसी सागर को याद करना है, दूसरे को याद करेंगे तो नहीं होगा। वो प्रजा बनते, जरूर बनते, है ना। जिसकी आपने पालना की वो आप ही की प्रजा बने, आप अपनी ही राजधानी बनाते हैं, आप किसी का कुछ नहीं करते। हम हमेशा अपने लिए, बाबा कहते हैं तुम जो कुछ करते हो यहाँ अपने लिए करते हो, है ना। तो सब अपनी अपनी राजधानी बना रहे हैं, हम जो सेवा करते हैं उसका भी पुण्य का खाता हमारा ही जमा होता है, पद की प्राप्ति भी हमारे से ही होती है ना। तो ये भी है, तो इसीलिए बाबा जी बातें हमें कहते हैं। और बाबा कहते याद पर, पवित्रता पर, रहमदिली पर जितना अटेंशन देंगे उतना उतना धर्म सत्ता राज सत्ता के अधिकारी बनते चले जाएंगे। और फिर आज बाबा का वरदान थोड़ा सा लेते हैं,
वैसे तो आज बाबा ने बहुत सारी बातें कही हैं, कर्म भोग की भी बात कही है और ऐसे, लेकिन दूरादेशी बुद्धि पर आज बहुत आया है। तो दूरादेशी बनना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना हम इस दुनिया से बुद्धि निकालेंगे, क्योंकि बुद्धि के आधार से ही कर्म होंगे, बुद्धि के आधार से ही संस्कार बनेंगे। तो अगर हमें ब्राह्मण बने के संस्कार बनाने, दैवी संस्कार बनाने, तो हमें बुद्धि को तो यहाँ से निकाल कर, है ना, परम धाम और नई दुनिया में ले जाना पड़ेगा, बाबा के पास लेकर जाना पड़ेगा। और बाबा का आज का वरदान लेते हैं। बाबा कहते हैं कि आत्मा के अंदर जब दुनिया में भी स्थूल रूप से भी आत्मा के पास कोई संबंध की शक्ति होती है, धन की शक्ति होती है, कोई पोजीशन की शक्ति होती है, तो आत्मा को क्या लगता है, हाँ हो जाएगा, है ना, कोई विघ्न बड़ी चीज़ नहीं लगती। मुझे याद है, बहुत सुंदर एक अनुभव है। मैं एक बार ना, हम एक बहुत सालों पहले की बात है, मैं एक होटल में थी, वो होटल में रह रहे थे, कहीं गए हुए थे। तो वहाँ ना एक भाई था, वो भी उसी होटल में रहने आया था। बहुत इंटरेस्टिंग था वो कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो उसने ना जो रेस्टोरों वाले को बोला कि मेरी पत्नी और बेटा आज जाएंगे और मैं तो कल निकलूँगा, तो इनके लिए पूरी और अचार पैक कर देना, है ना, ये पूरी और अचार ही खाते हैं। तो वो रेस्टोरों वाला कहता है, अब रेस्टोरों में क्या पूरी अचार वाला सिस्टम तो नहीं होता ना, तो कहता है इसके तो 1500 लग जाएंगे, है ना, जैसे 10 15 20 पूरी और अचार के 1500 रुपये लग जाएंगे। और ये भी मैं आपको कितने सालों पहले की बात बता रही हूँ। तो वो व्यक्ति क्या कहता है, बहुत प्यार से कहता है, कहता है क्या हो गया, तो क्या ले लोगे आप, पैसे ही तो ले लोगे ना, ले लेना, है ना, पैसे ही तो ले लोगे, ले लेना, मेरे पत्नी बच्चे को जो चाहिए ना वो दे देना। तो मुझे वो बात बहुत स्वीट लगी कि देखो, जिसके पास धन होता है उसको, उसने कहा तो उसको कोई बड़ी बात नहीं लगी कि ठीक है 15 तो क्या ले लोगे, पैसे ही तो ले लोगे, कहता है क्यों, उसके पास धन है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जिस आत्मा के पास जो चीज़ होती है, उसका कभी चैलेंज आए तो उसको बड़ी बात नहीं लगती, है ना। धन किसी ने एग्जॉर्बिटेंट रेट भी लगा लिया, उसको नहीं लगता, या पोजीशन होती है, कांटेक्ट होते हैं, तो उसको फील नहीं होता। तो बाबा कहते हैं लेकिन तुम बच्चे जो हो, तुम्हारे पास सबसे ऊंचा धन है, ज्ञान धन, अविनाशी धन। और ये जो ज्ञान धन है ना, ये हमें हर विघ्न से निकाल सकता है, ये वो ज्ञान धन है जिससे आप हर विघ्न को पार कर सकते हैं। बाबा कहते तुम्हारे पास सबसे श्रेष्ठ पोजीशन है। बाबा ने उस दिन मुरली में मुरली चलाई थी ना, तुम हर युग में सबसे ऊंचे रहते हो। तुम जब पूज्य भी बनते तो सबसे ज़्यादा विधिवत पूजन तुम्हारा होता, जब तुम पूर्व देवता होते तो उस समय भी तुम्हारी सबसे ऊंचे श्रेष्ठ काल में तुम्हारी जीवन होती, और अभी भी तुम शिव बाबा की डायरेक्ट संतान बनते। तो बाबा कहते तो सबसे ज़्यादा धन तुम्हारे पास है, सबसे ऊंचा अविनाशी धन, सबसे बड़ी पोजीशन तुम्हारी है, सबसे ऊंचा संबंध तुम्हारा है, शिव बाबा से बड़ा कांटेक्ट कोई है, लेकिन बाबा कहते तुम यूज करते हो, क्योंकि अगर यूज नहीं करते ना तो याद नहीं रहता। जितना आप स्मृति में लाएंगे और कार्यों में यूज करेंगे, उतना आपको स्वमान रहेगा सदा कि मुझसे बड़ी पोजीशन, मुझसे ज्यादा धन और मुझसे बड़ा कांटेक्ट तो किसी के पास नहीं है। और जब उस आधार से आपका स्वमान ऊंचा रहेगा ना, तो बाबा कहते कोई कितनी भी बड़ी बात आ जाए, आपकी स्वस्थिति डावाडोल नहीं होगी, और जब स्वस्थिति डावाडोल नहीं होती तो परिस्थिति पर विजय हो ही जाती है, ठीक है। लेकिन इसको स्मृति में रख के यूज करना, विधि से सिद्धि है,
विधि क्या है जिसको हम स्मृति में रख के यूज करेंगे, वो अवेलेबल होगा, और जो अवेलेबल होगा वही विजयी बनाएगा। अब हम कहें बाबा है तो मदद करें, बाबा मदद थोड़ी करेगा, आपको याद है कि आप परमात्म संतान हैं, वो आपके काम आएगा। तो बाबा कहते इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करें। ओम शांति।